हेलो नमस्ते एंड वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरआरडी मेरे भाग में तब संपूर्ण स्वागत करना चाहूँ। आज मैं स्पेशल गेस्ट लेकर आई सकूँ, वहाँ इंडिया बाट हो सो कति ढिल नगर वहाँ वहाँ मेरे चैनल में स्वागत करना चाहूँ। वेरी वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। व्हाट्स गुड नेम? इवियस। यू आर फ्रॉम इंडिया? इंडिया। सो हिंदी चलेगा? हाँ चलेगा। चलेगा ना, ठीक है। आप बोस्निया में आज स्टूडेंट के लिए आया कि स्टूडेंट के लिए आया है? क्या कैसे आया है? स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट के लिए कैसे पढ़ाई कैसे चल रहा है अभी? ठीक ठाक। अभी ठीक ठाक है सब। ठीक ठाक। कितना महीना हो गया? अभी मुझे 3 महीने होने वाले हैं। 3 महीना हो गया। कौन सा सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई करने के लिए? बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, मतलब पढ़ाई अच्छा है इधर? हाँ अच्छा है। अभी अच्छा है उसमें तो बोला यार, मैं कितना पूछो यार। तो मतलब अभी क्या है कि अभी स्टार्ट नहीं किया है। अभी अभी और भी इंडियन स्टूडेंट्स आने वाला है यहाँ पे, नेपाल से भी आने वाला है। अच्छा। सो नेपाल से इंडिया से आने जो स्टूडेंट है, मतलब काम करने के लिए आता है, जो पढ़ाई करने के लिए आता है ना, वो मेरे तो चैनल से ज्यादा पूछता है, ठीक है, कि इधर मतलब स्टडी के लिए कैसा अच्छा है नहीं है। मतलब आने के लिए कितना दिन में वीजा मिला आपको एज ए स्टूडेंट? वीजा के लिए तो मुझे बहुत दिक्कत हुई क्योंकि यूनिवर्सिटी जल्दी से ऑफर लेटर नहीं भेज रही थी, परमिशन लेटर नहीं भेज रही थी। बाद में शायद 2 या 2.5 महीने लग गए थे। अच्छा। वीजा नहीं हुई। सो व्हाई डू यू कम इन बोस्निया एज अ स्टूडेंट? व्हाट डिड यू गेट समथिंग फ्रॉम बोस्निया? बिकॉज़ कहीं और पे हो ही नहीं रहा था और लग रहा था कि यहाँ पे भी अच्छा है। मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यूट्यूब से भी मैंने ली थी और जो मुझे जिस एजेंट को मैं यहाँ पे आया हूँ उन्होंने भी कहा था कि वहाँ पे भी अच्छा है। you mean that you got some quality of education in Bosnia, right? That's why you come back, that's why you come here from India. और ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे बेटर नहीं लगेगा तो उसके बाद आपको टीआर भी यहाँ से कॉलेज से मिल ही जाएगी। जो आपको यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कहीं और जाना है और भी कोई कंट्री में आपको जाना है, चांस मिलेगा आपको यहाँ से कॉलेज में से टीआरसी आपको मिलेगी और टीआरसी के थ्रू आप कहीं और भी जा सकते हैं। अच्छा। कोई और कोई भी और मुश्किल नहीं? मुश्किल नहीं है वो सब आपको। मेरे को एक सवाल है कि जो इधर मैं भी अभी एज ए वर्कर है इधर, ठीक है, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी बट इट्स अ प्रॉब्लम टू लैक ऑफ द लैंग्वेज, दैट्स व्हाई। सो इट्स अ वेरी अनईजी एंड डिफिकल्ट टू फाइंड सम जॉब हियर। सो इन ओपिनियन, ठीक है, आपका ओपिनियन से क्या बोलता है कि इधर मतलब जागे मिलने के लिए कितना सफर्स है, मतलब कितना चैलेंजिंग है एज ए स्टूडेंट? एज अ स्टूडेंट तो चैलेंजिंग तो है क्योंकि मेरे पीछे शायद इंडिया में से 5-6 के रखे हुए थे मेरे वीजा आने के बाद, लेकिन उनको बहुत दिक्कत हुई। उनको अभी तक परमिशन लेटर ही यहाँ से गया नहीं। उन लोगों का ऑफर लेटर जैसे देखते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजते है, वो अभी तक गया ही नहीं उन लोगों का। मेरा थोड़ा जल्दी हो बैठा कि अच्छा जल्द जल्द यू फील वेरी लकी टू गेट द वीजा ऑफ बोस्निया, राइट? सो एक आदमी के लिए मतलब कभी मतलब इधर खाने के लिए बचने के लिए तो मेरे को लगता है बहुत सस्ता है। सो फॉर द स्टूडेंट, सो फॉर द स्टूडेंट्स इन 1 मंथ आपके लिए एक महीने के लिए कितना खर्च होता है? स्टूडेंट एक महीने के लिए आपको खाने के लिए बचने के लिए ऊपर भी है, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा कर सकते हो यहाँ पे। खर्चा करने के लिए वैसे बहुत कुछ है यहाँ पे, लेकिन समथिंग आप यहाँ पे जैसे कि मार्क चलता है तो समझ लो कि आपको शायद 300-400 मार्क आपको यहाँ पे लगेंगे महीने के लिए। 300-400 मार्क मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। चल ठीक है। और इंडिया का कितना खर्च होता है वो 300-400 मार्क कितना होता है?
इंडिया के लिए होगा शायद, समझो ना कि एक मार्क का वहां पे इंडिया में 46 रुपीस है। 46 एक मार्क। अच्छा चलो ठीक है, मुश्किल नहीं। अभी तो यू आर हैप्पी बीइंग इन हियर as a student, so what you gonna say something about people are really watching my video and who are really, you know, going to love me, so what you gonna say about today for YouTube channel? देखिए मैं तो ऐसे बहुत YouTube channel से कुछ क्या कहूँ, लेकिन अच्छा है कि हमारी वजह से आपको कुछ आपका कुछ भला हो रहा है, आपका कुछ अच्छा हो रहा है, तो मैं इनका बहुत तुम्हें गुजार हूँ कि इनकी वजह से हमारी इंडिया में, नेपाल में किसी को नॉलेज मिले, किसी का फ्यूचर बनता है इनके जरिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए, अनुरोध कर दीजिए। ओ हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना भूलना मत। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड आई एम वेरी ग्लैड टू यू नो गेट द इंडियन एशियन पीपल लाइक स्पेशली इंडियन, सो आई एम वेरी हैप्पी बीइंग विद यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।